अकरम साहब और उनके मेहमान आ चुके हैं, ये सब अच्छे से तैयार करना होगा। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए अपना खाना। दिल से शेफ तैयार कर रहे हैं सारे डिशेस, और अगर कुछ चाहिए आपको तो आप लोग बुला सकते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो करते हो जैसे करते हो वैसे ही करना, समझ गए? जरा सा भी पैनिक नहीं करना होगा। हाँ मेरे भाई, परेशान मत हो, देख रहा हूँ तुम्हें। खुशामदीद। ओजान कैसे हैं अकरम साहब? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैंने आपको दूर से देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हेलो डेनिस। हेलो, वो दरअसल हम लोग यहाँ पर आज सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जाहिर है इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते थे। क्या हम जा सकते थे? नहीं ना। क्या बात है, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारा डिनर भी आ गया। ये तो यहाँ की फेवरेट डिश है ना। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? ये अमेरिकन लैटिन फूड है। बिल्कुल, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ की बहुत जबरदस्त डिश है ये। लेकिन डाइट पर हूँ मैं तो। आज छोड़ दीजिए। और ये क्या है जो मुझे नहीं मालूम? ओकुशीना, ये एक ब्राजीलियन डिश है। क्या वाकई? मैं चाहता हूँ आप इसे ट्राई करें, बहुत मजेदार। डाइट पर हूँ लेकिन आज तो नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब तक मैंने इसे ट्राई क्यों नहीं किया। चलो देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है ये। वैसे तो मुझे अमेरिकन खाने बहुत पसंद है, और तुमने उसको वैसे ही बनाया है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर आपको ये लैटिन अमेरिकन फूड अच्छा लगा हो तो हमने इस वीकेंड पर इसी तरीके का एक डिनर रखा है, मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको लैटिन अमेरिका की डिशेस के बारे में बताऊंगा। मैं तो बहुत खुशी खुशी आऊंगी। बहुत अच्छे, फिर मत भूलिएगा। ये तो मुमकिन नहीं। मतलब मुझे आपका नाम लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा? लिस्ट में सबसे ऊपर? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। फिर तो ये एक हसीन इत्तेफाक हो जाएगा। ओजान प्लीज यहाँ आ जाओ, किचन में जरूरत है तुम्हारी, जल्दी आओ प्लीज। ठीक है मैं भी आया, आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया ओजान तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। पागल हो गया। लो आगे। ओजान मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हुआ? मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं मेरे भाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई थी? जानना चाहते हो कि तुम यहाँ से कैसे दिखाई दे रहे थे? साफ लग रहा था कि लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो तुम आकर। हाँ वो तो, हाँ वो तो मैंने जान के किया था ताकि डिनर जल्दी हो जाए। हाँ मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था। मजाक मत करो, लेकिन हो सकता है ऐसा भी दिन आए। इंतजार करो, अभी वक्त है। क्या मतलब इस बात का? इंतजार करना सीखो पहले, फिर सब हो जाए। क्या दोबारा मैंने कुछ गलत किया? एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। बस ऐसे रहो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। मोहतात रहो, ध्यान मत दो। वाह समझ गए तुम। हाँ मुझे लगता है कि चूल्हे के पास खड़े होके ना तुम्हारे दिमाग में गर्मी हो गई, कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है ना। सुनो तुम्हारे पैंतरे कहीं और चलते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला, समझो इसे, अकल से काम लो थोड़ा। क्या मैं उसके पीछे जाऊं? नहीं छोड़ो,